हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हैं लोगों को तरीके से हैंडल करना भी एक कला है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे कि हम जिससे भी बात करें वो हमारी बातों को गौर से सुने, खासतौर पर हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स और ज़्यादा बेहतर हो जाती और सोशली हमारी इमेज बहुत शानदार हो जाती। तो चलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे ही फंडामेंटल टेक्निक्स के बारे में बताती हूँ जिनको अपनाते हुए आप बहुत आराम से लोगों को हैंडल कर पाएंगे। वेल, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर एक वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आपके लिए लेकर आ रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक राइट एजुकेशन पहुंच सके। अगर आप इस वीडियो को इंग्लिश लैंग्वेज में देखना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, YouTube पर सर्च कीजिए टेगोनिटी अकेडमी, जो कि हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल है। टेगोनिटी अकेडमी YouTube चैनल पर आप नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड सभी वीडियोस को इंग्लिश लैंग्वेज में देख पाएंगे। और सेकेंड ऑप्शन, जो कि बहुत आसान है, वो ये कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के इंग्लिश वर्जन का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप उस लिंक को फॉलो करते हुए इंग्लिश वर्जन वीडियो को देख सकते हैं। वैसे ये टेक्निक्स बेसिकली कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स की कैटेगरी में आती है। तो सबसे पहली टेक्निक है दैट डू नॉट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। इसका मतलब है कि दूसरों की निंदा या शिकायतें न करें। जब आप दूसरों की आलोचना करते हैं तो उनकी नजरों में आपका आदर और सम्मान भी कम हो जाता है। एक महान लेखक ने कहा है कि हमें दूसरों की आलोचना और शिकायतें करने की बजाय यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि दूसरे लोग जैसे भी हैं वो वैसे क्यों हैं। लेकिन ये भी फैक्ट है कि ये ह्यूमन नेचर है कि लोगों को दूसरों की आलोचना करना और शिकायतें करना अच्छा लगता है, और यही रीजन है कि आपके आसपास के ज्यादातर लोग दूसरों के बारे में ही शिकायतें करते रहते हैं। और आपको एक बात पता है, कामयाब लोगों के आसपास भी ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जो उन्हें अच्छे नहीं लगते, लेकिन वो कभी भी उनके बारे में शिकायतें नहीं करते। उनकी इसी आदत के कारण उन्हें लोगों का हमेशा समर्थन मिलता है और वो अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। अगर आप किसी के अच्छे दोस्त बनना चाहते हैं तो अपनी शिकायतें करने की और आलोचना करने की आदतों को आज से ही बदल दीजिए। अब क्योंकि आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि अगर आपको शहद इकट्ठा करना है तो मधुमक्खी के छत्ते को कभी ना छेड़ें, और ये बात इसी से रिलेट करती है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो आपको लोगों की आलोचना करने से खुद को रोकना होगा। नाउ सेकेंड टेक्निक इज गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन, एंड दिस इज द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ हैंडलिंग विद पीपल। इस दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है कि वो जहां भी जाए उसे लोग पसंद करें और उसे इम्पोर्टेंस भी दे। इम्पोर्टेंस मतलब लोग आपको पूछें। हर किसी व्यक्ति में इम्पोर्टेंस पाने और बड़ा बनने की चाहत होती है, जिसे पूरा करना उसके लिए मुश्किल होता है। अगर आपको यह पता चल जाए कि लोगों को महत्व कैसे देना है तो आप लोगों से मेलजोल करने और उन्हें प्रभावित करने की कला को सीख जाएंगे। लोगों का स्वभाव होता है कि जो उन्हें अच्छा नहीं लगता वो उसकी आलोचना करते हैं और अपनी गलतियों को लोगों से छुपाए रखते हैं। तो अगर आपको भी लोगों की तारीफ करने में दिक्कत आती है तो आपको राल्फ वाल्डो एल्डरसन की इस सलाह को थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। वो कहते हैं कि दुनिया में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते, तो आप प्रत्येक व्यक्ति से कुछ ऐसा सीखने की कोशिश कीजिए जो वो जानता है लेकिन आप नहीं जानते। आपके ऐसा करने से आपको उसकी तारीफ और उसकी सराहना करने का मौका भी मिलेगा और वो महत्वपूर्ण महसूस भी करेगा। लेकिन मैं यहाँ आपको दूसरों की झूठी तारीफ करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। आपको सिर्फ मौका मिलने पर ही लोगों की अच्छी बातों के लिए उनकी तारीफ करनी चाहिए। That is it, और आप लोगों का दिल बहुत आसानी से जीत सकेंगे। So now third important technique is arouse in the other person an eager want, means दूसरे व्यक्ति के अंदर एक उत्सुकता को पैदा करना। अच्छा, जरा गौर से सुनिएगा। जब हम मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो मछली के चारे में हम वो चीज तो नहीं डालते जो हमें खुद को खाना पसंद होती है। आप हुक में उस चीज को डालते हैं जिसको मछली खाना पसंद करती है, राइट? लेकिन लोगों से बातचीत करते समय हम वही बात करते हैं जो हमें पसंद होती है।
जो कि सीधा सीधा अपने समय और अपनी कोशिशों को बर्बाद करने जैसा होता है। हमें सामाजिक मेलजोल में ये देखने की जरूरत होती है कि सामने वाला व्यक्ति हमसे क्या चाहता है और उनके दृष्टिकोण के मुताबिक ही हम उनसे बात करें। उन्हें ये बताएं कि आप उन्हें वो चीज कैसे दिला सकते हैं जो वो चाहते हैं। जैसे कि हेनरी फोर्ड ने कहा था कि सफलता का एकमात्र रहस्य तो दूसरे व्यक्ति के नजरिए को जानने और चीजों को उसके नजर से देखने की काबिलियत में है। ज्यादातर लोग किसी से बातचीत करते समय अपनी इच्छाएं और अपनी जरूरतों के बारे में ही बात करते हैं। डेल कार्नेगी भी कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के दूसरों की सेवाएं करता है और अपनी सेवाएं उन्हें देता है वो जरूर सफल होता है और उस व्यक्ति के लिए कॉम्पिटिशन भी ना के बराबर होता है। तो ये थे 3 फंडामेंटल टेक्निक्स जो अभी मैंने आपको बताई। चलिए आपके साथ थोड़ा और ज्ञान बांटते हैं और आपको 6 ऐसे तरीकों के बारे में भी बताते हैं जिससे कि लोग आपको पसंद करने लगेंगे। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करने लगे तो पेन पेपर लेके जरा इन बातों को नोट डाउन कर लीजिएगा। और सबसे पहली चीज है कि दूसरे लोगों में वास्तव में रुचि रखे। दूसरा, हमेशा अपने चेहरे पर एक स्माइल रखे। तीसरा, याद रखें कि किसी भी व्यक्ति का नाम उस व्यक्ति के लिए किसी भी भाषा के अंदर सबसे मधुर और सबसे महत्वपूर्ण ध्वनि होती है। चौथी बात, एक अच्छे लिसनर बने और दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। अपने बारे में मतलब उनके खुद के बारे में उन्हें बोलने का मौका दे। पांचवें इंपॉर्टेंट बात कि दूसरे लोगों के हितों के बारे में ध्यान रखते हुए ही उनसे बातें करें। और छठी इंपॉर्टेंट बात ये कि दूसरे लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराएं और इसे ईमानदारी से भी करें। सो ये थे कुछ ऐसे टिप्स और टेक्निक्स जो डेल कार्नेगी ने अपनी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में बताई है। ये बुक एक्चुअली मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ी थी और इसको मैं अभी भी अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ भी इसे शेयर किया जाए, क्योंकि ये कुछ ऐसे टिप्स और टेक्निक्स हैं जिन्हें हमें सच में फॉलो करना चाहिए बेहतरीन रिजल्ट्स पाने के लिए। एंड आई एम श्योर कि अगर आप भी इसे फॉलो करेंगे तो आपको भी बेहतरीन रिजल्ट्स जरूर देखने को मिलेंगे अपने बिजनेस में। तो अगर आप भी इस बुक को डीपली स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सारी बातें कही गई हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से उस बुक को चेकआउट कर सकते हैं। तो इसी के साथ अंत में हमारा एक सजेशन है आप सभी के लिए कि अगर आप चाहे तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं जो भी आप यूज करते हो, क्योंकि वहां पर आपको हमेशा न्यू और रेगुलर अपडेट्स देखने को मिलती रहेंगी। हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, तो उन्हें फॉलो करते हुए आप हम तक पहुंच सकते हैं। और अगर आपके कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए पूछ सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और सभी के साथ शेयर भी करें, उन लोगों के साथ तो खास तौर पे जिनके साथ आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी टैप कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tigunity.com। तो जल्द हम आपसे मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।